दोस्तों नमस्कार, सत्ता विमर्श में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार। आखिरकार लोक गायिका नेहा सिंह राठौर भी अब प्रदर्शनकारी पहलवान बेटियों के साथ अखाड़े में कूद ही गई हैं अपने नए गीत के साथ। जी हाँ, सही समझे आप, आंदोलनकारी पहलवान बेटियों का समर्थन करते हुए नेहा सिंह राठौर ने एक बार फिर अपने नए गीत के जरिए मोदी सरकार को सेंगोल सरकार बताते हुए बड़ा हमला बोला है। नेहा सिंह राठौर का यह नया गीत मेडल बहे गंगा धार ए सेंगोल सरकार सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। तियन पे होला त्याचार, मेडल बहे गंगा धार, बोल के जिम्मेदार सेंगोल सरकार। इस गीत में नेहा सिंह राठौर ने एक तरफ पहलवानों के प्रदर्शन को लेकर सरकार पर करारा तंज किया है, तो वहीं नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर भी जबरदस्त निशाना साधा है। नेहा ने पहलवानों का समर्थन करते हुए मोदी सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को भी निशाने पर लिया है। बेटी बचाओ पढ़ाओ के नारा साहिब बोलिया जिन दो बार, तो हर पद के आधार संगोल सरकार, तो हर पद के आधार संगोल सरकार, बोल के जिम्मेदार संगोल सरकार, नयका संसद के नेहा अपने गीत में कहती हैं, जंतर मंतर पर महिला पहलवानों की गुहार क्यों नहीं सुनी जा रही है। नेहा ने सवाल उठाया कि पहलवान बेटियों पर अत्याचार हो रहा है, उन्हें अपने मेडल गंगा में बहाने की बातें करनी पड़ रही हैं, इसका कौन जिम्मेदार है। इस दौरान नेहा केंद्र की मोदी सरकार को सेंगोल सरकार के नाम से पुकारती है। तोहरे राज काज में साहेब जी बढ़ल बा व्याचार, फोटो खिंचौला से मिले फुर्सत तनी जानल समाचार, फोटो खिंचौला से मिले फुर्सत तनी जानल समाचार, और अंत में नेहा सिंह राठौर हुंकार भरती हैं और कहती हैं, बीतल 9 साल में लाखों करोड़ों नौजवान बेरोजगार हो चुके हैं, ऐसे में आपका बहुत आभार होगा कि आप कुर्सी खाली कर दें। 9 साल में नौजवान के कैला बेरोजगार, 9 साल में नौजवान के कैला बेरोजगार, बहुत कैला फिलहाल के लिए इतना ही। सत्ता और जन सरोकार की खबरों के लिए देखते रहिए सत्ता विमर्श। नमस्कार।